मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कोरोना वायरस के इस कड़े समय में हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे मीडिया कर्मियों को, हमारे हमारे जितने भी पुलिस वाले हैं उनको, हमारी सरकार को, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का जो इस बुरे समय में हमारे साथ खड़े हैं। शुक्रिया। नमस्कार। इस वक्त जो इंडिया में चल रहा है वो सभी को पता है बखूबी। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेजेस किए कि आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, आप लोगों को घर में रहने के लिए क्यों नहीं बोल रहे। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने ही बोल दिया और उनकी ही नहीं रखी जा रही, तो हम तो वैसे भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी हैं। नॉर्मल इंसान है मैं। उन लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जिन लोगों को समझ में नहीं आती, अकल नहीं है कि अभी घर में रहने से आप ही सेफ हो, आपका परिवार सेफ है, पूरा इंडिया सेफ है। कोई डैड नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं। हाँ, ये वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को जरूर थैंक यू बोलना चाहूंगी जो इस वक्त इंडिया की सिचुएशन में साथ दे रहे हैं, घर के अंदर हैं, अपना, अपने परिवार का, अपने भारत का ध्यान रख रहे हैं, अपने भारत के लोगों का ध्यान रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन का थैंक यू, डॉक्टर्स का थैंक यू, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का थैंक यू, तो इनको मैं ज़रूर थैंक यू बोलना चाहूँगी। और कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आप डोनेशन क्यों नहीं दे रहे हो, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो आपकी नसीहत पे मुझे कह के गा के डोनेशन देने का, लोगों की हेल्प करने का कोई शौक नहीं है। मैं हेल्प जिस तरीके से करती हूँ वो मैं जानती हूँ, और इस वक्त तक मैंने कितनी हेल्प की होगी ये भी मैं जानती हूँ। तो आप लोगों को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मुझे किस तरीके से हेल्प करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। हाँ, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैडम हेल्प करो, डोनेशन दो, मैं उल्टा आपको बोल रही हूँ कि इस समय मेरी नहीं, आप लोगों की भी हिंदुस्तान को ज़रूरत है। तो आपसे भी जितनी हेल्प हो आप भी करो, दूसरों को मत बोलो, जितना खुद कर सकते हो उतना करो। और घर में रहो, सेफ रहो, साथ रहो, और जय हिंद। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कोरोना वायरस के इस कड़े समय में हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे मीडिया कर्मियों को, हमारे हमारे जितने भी पुलिस वाले हैं उनको, हमारी सरकार को, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का जो इस बुरे समय में हमारे साथ खड़े हैं। शुक्रिया।